भाई ये क्या है यार, एक जगह पे ये बंदे बंदे खड़े हुए हैं और उस तरफ मतलब लड़कियां भी है थोड़ी, ये कर क्या रहे हैं? कबासे मिलेगा यहाँ पे सनसेट का सीन, बुराके का, बुराके फिलीपींस। क्या हाल चाल है भाइयों, कैसे हो मेरे चाहने वालों? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा भाई कि इस टाइम पे मैं ना मतलब ना दुनिया की कंसीडर की जाने वाली सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह पे, द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड, जो कभी नंबर वन आता है कभी नंबर टू नंबर थ्री, वहाँ पे हूँ और जगह नाम है बुराके। हाँ, मैं मतलब बुराके फिलीपींस में हूँ। मैं यहाँ पे आ गया था, मेरे वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी मतलब बनाए हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के, मतलब फ्लाइट से। और यहाँ पे मैं आया था अपने मतलब बाकलोड से, बस पकड़ के आया था मतलब यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आती है, आपने होटल किया है, सबसे पहले मैं आपको इस होटल का कमरा दिखाता हूँ भाई। ये देखो, ये है इस होटल का कमरा। ये देखो, इतना बड़ा बेड है यहाँ पे ऐसे करके, ये देखो भाई, और किस तरह से सजाया हुआ है इस कमरे को। और जब भी मैं आता हूँ यार मतलब बुराके में, इसी होटल में अगर मतलब खाली होता है तो मैं इसी होटल में मतलब वो कोशिश करता हूँ कि मेरे को इसी होटल में मिल जाए कमरा। और यहाँ पे एयरकॉन वगैरह भी लगा हुआ है। और ये देखो, ये पूरा पूरा ये रूम है, काफ़ी बड़ा बेड है इसका, मतलब डबल बेड है ये। और मैं अभी ये दिखाता हूँ, अटैच्ड आपको मतलब शावर मिल जाएगा, बाथरूम शावर वगैरह सब कुछ अटैच है। और ये देखो, और बुराके में मैं आपको एक बात मतलब वो बताऊँगा, बुराके में नहीं मतलब हमेशा किसी भी मतलब आइलैंड में चीज़ें जो होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और बुराके में सच में मनीला के कंपेरेटिव में, सेबू के कंपेरेटिव में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है खाने पीने की चीज़ें। बट जहाँ तक इस होटल की बात है, मेरे को फिर भी ये होटल थोड़ा सा सही रेट पे मिल जाता है, मेरे को 1200 से 1300 पैसों के बीच में मिल जाता है, जो कि मनीला में मेरे को 1000 पैसों के आसपास तक का पड़ता है, 900 से 1000 पैसों के आसपास तक का। लेकिन जहाँ तक कि दूसरी चीज़ों की बात है, मैं खाने पीने की चीज़ों की बात पे, भाई कम से कम भी 30% ज़्यादा लगा दो, 30 से 40% ज़्यादा। और जो नॉर्मल मतलब वो खाना होता है वो तो 100% मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। नॉर्मल यहाँ पे जिस तरह मतलब मनीला में काफ़ी सारी आपको सारी स्टोर वगैरह मतलब वो सब मिल जाया करते हैं, वो यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं देखे हैं खासतौर पे मतलब टूरिस्ट एरिया की तरफ। दूसरी तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे है अवेलेबल, लेकिन उसके लिए वही है मतलब 1.5-2 किलोमीटर आपको वो मतलब चलना पड़ेगा। और ये रूम मैंने आपको अंदर से वो दिखा दिया, होटल आपको बाहर से दिखा देता हूँ और थोड़ा आपको ये बताया था। देखो ये बाहर से, ये देखो भाई इस तरह से मतलब वो दूसरे रूम में बाहर आपको ये बैठने बैठने की जगह मिल जाती है। और नीचे ये कुछ ऐसे है देखो, और बिल्कुल सामने ना, बिल्कुल सामने बीच है, बिल्कुल अभी मैं निकलते आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल सामने इस होटल के मतलब बीच है। तो भाई बुराके में वैसे मैंने वीडियो तो एक ही बार बनाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे 4-5 बार चुका हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं वीडियो जरा नहीं बनाता, जब भी मेरा मन बड़ी सिटीज़ वगैरह से उब जाता है, कहीं पर जाकर थोड़ा सा मतलब रेस्ट करने का मन करता है, व्यू इन्जॉय करने का मन करता है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ भाई 4-5 दिन वो दिन के लिए वीडियो नहीं बनाता, यहाँ पे आ जाता हूँ इसी होटल में। और सामने का भी आपको मैं रास्ता देखा, तो शाम के बज चुके हैं पूरे 5:45 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। और अभी चलते हैं मतलब बीच पे और बुराके में, और मैं आपको बताता हूँ क्यों बुराके को एक हेवन कहा जाता है और क्यों लोग यहाँ पे मतलब चूज़ करते हैं यहाँ पे आना, ये टॉप 1 नंबर 2 में ये क्यों यहाँ पे आता है। सिर्फ मतलब प्राइजेस को छोड़ दो, ये जगह एक हेवन है भाई। सामने मैं आपको दिखाता हूँ बीच वगैरह सब चीज़ें आपको दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा। देखो भाई, जैसे ही आप यहाँ से ऊपर से ये नीचे उतरोगे, ये वाला मतलब मेरा रूम है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, सामने का ये कुछ रास्ता है ऐसा। देखो बिल्कुल सामने जाके ये यहाँ पे मतलब रिसेप्शन है, हेलो। और बिल्कुल सामने देखो भाई बीच आ गया। और इस होटल का नाम मैंने आपको बताया नहीं है, बताया था, इस होटल का नाम है ला इस्ला बोनीता रिजॉर्ट, ये एक मतलब रिजॉर्ट है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको ये शॉप वगैरह मिल जाएगी जो कि 24 घंटे खुली रहती है और आप ले सकते हैं कुछ भी। और सामने का देख रहे हो यार व्यू, ओह गॉड। तुम सका हेलो, तो मैं आपको बता रहा था भाई कि मतलब क्यों बुराके को एक हेवन कहा जाता है और को यहाँ पे लोग फिलीपींस से तो सही और पूरी पूरी दुनिया से आते हैं यहाँ पे। तो उसका रीज़न भाई फिर देख लो, बहुत सारे यहाँ पे रशियन मतलब ये टूरिस्ट है और बहुत सारे यहाँ पे मतलब वो टूरिस्ट हैं यहाँ पे डिफरेंट मतलब कंट्रीज़ के। शाम के इस टाइम 5:20 के आसपास कल तक का वो टाइम हो गया है। और ये बीच है भाई बुराके बीच, वाइट बीच इसको बोलते हैं।
मोराके में और भी बहुत सारे बीचेज हैं, लेकिन मेन जो सबसे ज़्यादा मतलब फेमस बीच है वो ये है। नाइस। लव फिलीपींस। और यहाँ पे एक्टिविटीज वो वगैरह होती है सुबह के टाइम पे। शाम के टाइम पे काफ़ी होती रहती है एक्टिविटीज़ यहाँ पे। आप दोपहर के 1 बजे 2 बजे आएंगे तो यहाँ पे आपको पैरा मतलब ग्लाइडिंग, बनाना बोट वगैरह बहुत सारी टाइप की एक्टिविटीज़ होती है मतलब यहाँ पे। एक साल पहले ये यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब वो क्राउड वो नहीं था, अब यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ मतलब वो स्टार्ट हो गई है भाई। देखो नाइस। तो ठीक है, ये तो है एक तरह से मतलब ये वाइट बीच। सामने देखो मतलब कितने सारे मतलब ये भीड़ है, और अब वहाँ जाएंगे वो सामने, तो ये चलने का रास्ता है। बुराके में जो है वो मतलब 3 स्टेशन है, स्टेशन 3, स्टेशन 2, स्टेशन 1। ये है स्टेशन 3, और मैं हमेशा यहाँ पे रुकता हूँ स्टेशन 3 में, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल एंड है मतलब बुराके का। यहाँ से आप चलना मतलब वो शुरू करेंगे 1 किलोमीटर तक आप चलेंगे, स्टेशन 2 आ जाएगा, 1 किलोमीटर और चलेंगे स्टेशन 1 आ जाएगा। स्टेशन 1 पे कुछ नहीं है, सब कुछ स्टेशन 2 ही पे है। स्टेशन 2 जो है वो मतलब बुराके का मतलब सेंट्रल है, वहाँ पे आपको डी मॉल मिल जाएगा। डी मॉल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे मार्केट है वहाँ अंदर जाके पूरी पूरी, थोड़ी वो भी दिखाऊंगा मैं आपको अभी। वो मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे। और तो मैं हमेशा स्टेशन 3 पर रुकता हूँ ताकि मैं स्टेशन 3 से स्टेशन 1 की तरफ जा सकूँ। और स्टेशन 2 पे काफ़ी सारे क्लब्स वगैरह भी हैं, नाइट क्लब्स वगैरह हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हैं यार मतलब जो भी मतलब टूरिस्ट के अट्रैक्शंस होते हैं वो स्टेशन 2 पे हैं, स्टेशन 3 पे हैं, स्टेशन 1 पे नहीं है कुछ भी। तो यही रहता है भाई यहाँ पे। देखो ओसम राइट, सनसेट होने वाला है अभी, आपको उस तरफ भी थोड़ा चल के मैं दिखाता हूँ। थोड़ी सी नाइट लाइफ भी मैं आज कवर करने की कोशिश वो करूँगा बुराके की, क्योंकि यहाँ पे नाइट लाइफ काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग होगी अभी हम पिछले साल के वो कंपैरिजन में। देखो भाई कैसे ये फिलीपींस के लोग कितने ज़्यादा इंजॉय करते हैं भाई, दे प्ले लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स ओवर हियर। भाई ये क्या है यार, एक जगह पे ये बंदे खड़े हुए हैं और उस तरफ मतलब लड़कियां भी है थोड़ी, ये कर क्या रहे हैं। ये एक टीम लग रही है, ये मेरे को ये टीम भी लग रही है। सॉरी ओ रियली दे गोइंग टू रन, हाँ ओके। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था यार, बहुत ही सही क्रेजी एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे। क्रेजी मतलब ये बीच है, फिलिपिनो जो लोग हैं काफ़ी इन्जॉय करते हैं भाई। ये देखो तो भाई 6 महीने में थाईलैंड वैलैंड सारा घूमने के बाद, और भी कंट्री घूमने के बाद, इंडिया भी रुकने के बाद, मनीला सेबू वेबू जितनी भी बहुत बार जितनी मैंने आपको जगह दिखाई है वो सब करने के बाद मैं एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, वीडियो नहीं बनाता लेकिन यहाँ पे आ जाता हूँ, इन्जॉय करता हूँ भाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन। ठीक है, कुछ भी नहीं किसी से ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं, इंटरनेट मतलब बिल्कुल कम, और बस यहाँ पे आ जाता हूँ इस बीच पे और बस इन्जॉय करता हूँ। स्टेशन 3 स्टेशन 2 स्टेशन 1 कुछ एक्टिविटीज़ भी कर लेता हूँ कभी कभी।
तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो भाई बोला लाइक करना। अभी मैं आपको थोड़ा उस तरफ का दिखाता हूँ एरिया। Later that same evening. तो भाई यो आप यहाँ पे पूरे के पूरे इस टाइम पे 6:15 बज गए हैं, 6:20 हो गए हैं और ये यहाँ का सनसेट है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बोराके को क्यों इतना पसंद किया जाता है, लोग इसको इतना पसंद जो करते हैं वाइट बीच को। और ये देखो ये आस पास का एरिया, और क्यों यहाँ पे आके लोग मतलब बहुत दूर दूर से यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे रुकते हैं। भाई एक मैं बंदे से मिला था कल, एक बंदे थे फ्रांस से, वो यहाँ पे 4 महीने से रुका हुआ है। मैंने कहा भाई यार 4 दिन में तो चल ठीक है, 4 महीना। तो भाई ये देखो अभी इस टाइम पे 6:15 का यहाँ पे सनसेट का सीन बोराके का, बोराके फिलीपींस मलाय आकलान 2024।